जिलाधिकारी के विजयन पांजन के द्वारा NADCP कार्यक्रम के अंतर्गत पशुओं के खुरपका मुंहपका टीकाकरण अभियान का प्रारंभ कलेक्ट्रेट के परिसर में किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने टीकाकरण करने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कार्यक्रम 18 अगस्त से प्रारंभ होकर 17 सितंबर 2020 तक चलाया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि बाढ़ प्रवाहित क्षेत्रों के पशुओं को सबसे पहले टीकाकरण कराया जाएगा, जिससे किसी भी पशु की मौत न हो सके, जिसके अंतर्गत जनपद के समस्त ग्रामों में लगभग 5 लाख पशुओं में निःशुल्क टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। टीकाकरण हेतु वैक्सीन समस्त विकासखंड मुख्यालय पर उपलब्ध कर दी गई है। विकासखंड स्तरीय उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में प्रतिदिन विकासखंड स्तरीय पशु चिकित्सालय में पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारी टीम बनाकर विभागीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा वाहन से ग्रामों में जाकर पशुपालक के द्वार पर गाय एवं भैंसों में टीकाकरण कर उन पशुओं की टैगिंग कर उनकी सूचना इन ऑफ पोर्टल पर अंकित करेंगे। इस कार्यक्रम में 8 माह से कम के समस्त गर्भित पशु एवं 4 माह की उम्र के ऊपर समस्त पशुओं का टीकाकरण किया जाना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने बताया। ये तो कितने माइल है सर? कितने? 2 माइल लगते हैं। दो जानवर के लिए लगा 50 के लिए है सर। एक ये 50 के लिए सर, ये भी 50 के लिए है सर। दो जानवर का हो जाएगा। ये देखिए पर डे करीब एक ब्लॉक में सर 400-500 हो जाएगा सर। लगभग 4 लाख के करीब है सर। 4 लाख एक महीने में हम कवर करते हैं। शुरू में थोड़ा स्पीड कम रहेगी, धीरे धीरे बढ़ा देंगे सर। एक महीने में 3 लाख। हाँ 3 लाख कर पाएंगे, लेकिन बाद में 5 लाख का कवर। हाँ सर, गाँव का कोई भी गाँव में कम जाए तो सब्जी बना के देते हैं मीडिया में दे देंगे सर। बिल्कुल, गाँव वाले पहले तैयार रहेंगे अपने जानवर देखेंगे, नहीं तो मजरा में करते दूसरे मजरा को पता नहीं रहता है। शेड्यूल दे दीजिए। हाँ सर, यहाँ मीडिया को भी दे देंगे सर। गाँव का रोज हो जाएगा, प्रधान के जरिए भी करो। जी सर हमारे डॉक्टर भी हुए सर। जिस दिन अगले दिन जाना शाम को बताएंगे सर प्रधानमंत्री कि कल आपके यहाँ टीका लगना है और आप जो है उसको मुनादी वगैरह करा दें, उसके बाद जरूर दरवाजा कम करें और शांत करो। ये पशुओं में संक्रामक रोग खुरपका मुंहपका होता है, उसके बचाव के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की और उनके स्टाफ की टीम गांव-गांव जाएगी और पशुओं में जाकर के टीकाकरण कार्य करेगी। निःशुल्क रूप से टीकाकरण कार्य पशुपालकों के द्वार पर किया जाना है। शासन की मंशा ये है कि जो हमारे पशुपालक भाई हैं, कृषक भाई हैं, उनके पशुओं की सुरक्षा की जा सके, ताकि किसी भी संक्रामक रोग से दुर्घटनावश उनकी मृत्यु ना होने पाए। पशु स्वस्थ रहेगा, अधिक उत्पादन होगा, तो किसान की समृद्धि होगी, पशुपालकों की समृद्धि होगी। सर अभियान कब तक चलता रहेगा? ये अभियान 1 माह तक चलाया जाना है, ताकि जनपद के समस्त ग्रामों में समस्त पशुपालकों के समस्त पशुओं में टीकाकरण कार्य सम्पन्न कर दिया जाए। ये बहुत महत्वाकांक्षी अभियान है, खासतौर पर जो पशुपालक के लिए एक खुशखबरी है। फुट एंड माउथ डिसीज कहते हैं खुरपका मुंहपका बीमारी, खासतौर पर जो मौसम के साथ साथ यानी जो बरसात मौसम के साथ साथ जानवर का जो पैर में और मुंह में कीड़ा पड़ जाता है, उसी की वजह जानवर नुकसान हो जाता है, मर भी जाता है और ये फैलता भी है। ये इसके लिए सरकार ने पहल किए हैं, इसका टीकाकरण यदि पहले हो जाए, समय से हो जाए, वो जानवर बच जाता है और ये बीमारी भी नहीं फैलता है। गोरखपुर में मोटा मोटा 4-4.5 लाख जानवर है और यहाँ एक एक ब्लॉक में हम लोग एक टीम बनाया, आप देखे होंगे उस पर एक गाड़ी भी रवाना किए, उसे पूरा एक वायल का किट रखा हुआ है। एक दिन में एक टीम 500 जानवर का टीकाकरण लगाएगी। वैसे हम लोग 20 टीम हम लोग रवाना किए हैं 20 ब्लॉक के हिसाब से। हम लोग उम्मीद करते हैं 30 दिन के अंदर ये जो 4 लाख जानवर है सबका टीका लग जाए
उसका पहले प्रचार प्रसार हो जाए, जानकारी हो जाए, वो जानवर भी तैयार, वो जो ग्राहक रखते हैं उसी का टीकाकरण लगाएंगे, वो उसको जान भी बचा सकते। पहले वरीता हम लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का है, वैसे करीब तो 200 गांव हमारा अभी डूब क्षेत्र में है और यहां तो हाई फ्लड में 615 गांव प्रभावित हो जाता है। हम लोग फर्स्ट स्पैन में केवल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का ले रहे हैं ताकि ये काफ़ी उसी इलाका में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, ताकि जलभराव के कारण से जानवर को नुकसान होता है। उसके बाद सेकेंड फेज़ थर्ड फेज़ में बाकी इलाका हम कवर करते हैं।